सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद में आज मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत लंबी बीमारी पा गया और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। अभी भी काफ़ी कुछ तकलीफ झेल रहा हूँ। करीब अभी 15 दिन 20 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि चैनल के काम को भी मैं शुरू करूँ। तो इसलिए आज मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और आज 26 नवंबर है, रात्रि के 9:15 का टाइम है। ये वीडियो अभी प्रसारित हो जाएगा। लेकिन कुछ कड़वे अनुभव भी हुए इस समय। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका मन न तो बात करने का होता है, न कोई काम करने का होता है, ना ही कोई वो भोजन तक तो करने का मन नहीं होता, फिर और तो अलग की बात है। तो कल एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आता है और वो राजस्थान से बोल रहा था। मुझे रसायन विद्या सीखनी है। ठीक है भाई। मैंने उससे कहा कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डालो, समय निकाल करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा ना होना ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जिस लहजे में वो बात कर रहा था वो लहजा मुझे अखर रहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं तो आमने सामने बात करूँगा, करके आपके साथ बैठ के बात करूँगा। मैंने कहा मेरी तबीयत ही नहीं हो रही है कभी किसी से बात करने की, संक्षेप में बात करो। तो वो बस, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। वो अनपढ़ होने का इस टाइप से प्रचार कर रहा था जैसे वो अनपढ़ हो करके इस संसार पे बहुत बड़ा कोई उपकार कर रहा हो। और इसके बाद में न तो कोई मैसेज आया न कोई कॉल आई। तो ऐसे बदतमीज लोगों को मेरा संदेश है, कड़ा संदेश है कि ऐसे लोग संपर्क ना ही किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का पंजाब से फोन आया, वो भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मेरी अवस्था इस समय बात करने की नहीं है, नहीं मुझे तो आपके 5 मिनट लेने हैं। भाई क्यों लेने हैं 5 मिनट, क्यों लेने हैं? तो थोड़ा कष्ट होता है कि लोगों को दूसरों के कष्टों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, और केवल अपना स्वार्थ दिखता है। अब मुझे जब दिक्कत हुई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, इलाज हुआ, लगभग 50,000 रुपये का खर्चा भी आया, तो कोई भी व्यक्ति कैसे किसी से इतना बात कर सकता है? और उस व्यक्ति से जो बिल्कुल कुछ समझना ही नहीं चाहता हो। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप की सुविधा दे रखी है, टेलीग्राम की सुविधा दे रखी। भाई जब मुझे समय मिलेगा और मैं अगर समझूंगा कि आपकी बात का जवाब देना
ठीक है तो ही जवाब दूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जवाब दिया ही जाए। बहुत सारे ऐसे दकियानूसी विचारों वाले लोग फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं, मूर्खता भरी बातें करते हैं, तो उनकी बातों का जवाब देना कोई मेरी ड्यूटी थोड़े है। खैर, अब आगे क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ कोई ज्ञान है उसका एक स्टेप पूछने लगते हैं। मुझे पारा स्थायी करना बताओ, मुझे गंधक स्थायी करना बताओ, मुझे ऐसा करना बताओ, ऐसा करना बताओ, तो इस टाइप के कोई सवाल न किया करें। हमारे पास जो दो कोर्स हैं वो कोर्स हैं और वो हम अपने शिष्यों को ही बताते हैं। जो उन कोर्सों को लेगा उनको ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आलतू फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं जिन पर जा कर के आप वो सब खूब प्रयोग करिए, खूब ग्रुपों में जाइए, खूब प्रयोग करिए और खूब अपना मन जैसे भरे वैसे करिए। हमारे चैनल पर जो भी हम सिखाते हैं बताते हैं वो बिल्कुल गोपनीय होता है और पेड सिस्टम है। वो कोई वैसा नहीं है कि पेड ग्रुप की तरह, मैं ग्रुप बनाता ही नहीं, मैंने आज तक कोई ग्रुप नहीं बनाया और ना ही कभी बनाऊंगा। यदि ज्ञान की ललक है, वास्तव में कुछ चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लगें, सुनने में खराब लगें, लेकिन उसकी तह में जाइए आप कि लोगों के व्यवहार से कितना कष्ट होता है। सीधी सी बात को एकदम टेढ़ी करके बोलेंगे लोग, सीधी रास्ता नहीं पकड़ेंगे, वो इधर से उधर से हिला डुला करके, मतलब तर्क निकाल करके, तर्क भी नहीं कुतर्क निकाल करके। मैं ऐसे लोगों को जवाब देने का बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। एक ही बात है कि अगर शरण में आओगे तो परित्राण मिलेगा, शरण में आओगे सफलता मिलेगी, बदजुबानी करोगे, बेकार की बातें करोगे तो उसके लिए कोई जगह नहीं। किसी गुरु के पास आया जाता है तो अपना अहंकार, अपना ज्ञान, अपना दर्प सब छोड़ के आया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा आए और बस चालू हो जाए। अरे जब किसी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ ही है तो वो ज्ञान लेगा क्यों, क्या जरूरत है उसको? जब सब कुछ जानते ही हो और सब कुछ तुमको आता ही है तो ज्ञान की जरूरत क्या है? आप अपने ज्ञान को अपने पास रखो और अपना मौज करो। किसने कहा है कि आप करिए? मैं तो कहते कहते थक गया, 4 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, लेकिन मैं कोई समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, समझौते का आदी हूं ही नहीं। अब ये बात किसी को एक बार में समझ में आ जाए, दो बार में समझ में आए, या 20 बार में समझ में आवे, या कभी समझ में ना आवे, मैं अपने स्टैंडर्ड से गिरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और मैं जैसा हूँ वैसा सबके सामने हूँ, मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ
ज़्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे वही जान पाएगा जो मेरे इस कठोर, जैसे कहते ना कि नारियल दूर से तो देखने में कठोर लगता है पर उसके भीतर कितना सुस्वादु मधुर रस होता है, ऊपर से कठोर और भीतर से मुलायम। और एक बेर होता है जो ऊपर से बड़ा मुलायम होता है और जब भीतर वो इतना कड़ा होता है कि आपके दांतों को तोड़ दे। ये बात जो समझना चाहते हैं, जो समझ सकते हैं, जिनके अंदर हृदय नाम की चीज है, जिनके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, वही लोग कुछ पा पाएंगे। और ये बिल्कुल सच बात है। क्रमशः वीडियो आते रहेंगे, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि रोज वीडियो आएगा, कोई जरूरत नहीं है। वीडियो आएंगे और मुझे भी अच्छे लोगों से मिलने की ललक रहती है, अच्छे लोगों को संजोने की, संवारने की उनको, है ना, उसकी आवश्यकता रहती है मुझे भी। और मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोगों का अगर जीवन बदल सका, अगर कुछ ही लोगों का मैं काम कर सका, मेरे द्वारा वो सफलता को प्राप्त हो सके, तो मैं ये समझता हूँ कि इस संसार में मेरा आना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बाकी आप लोग खूब समझदार हैं और मुझे कुछ नहीं कहना है। हरिओम तत्सत, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और जय श्री राम तो आपको बोलना ही पड़ेगा। हरिओम।